नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। 73 साल बाद पहली बार भारत ने थॉमस कप में जीत हासिल कर भारत को उसका पहला थॉमस कप दिलवाया और भारत की जीत में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय टीम के खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लक्ष्य के साथ उनके माता पिता भी हल्द्वानी पहुंचे और इस मौके पर आज हल्द्वानी के DSG एकेडमी में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां लक्ष्य से मिलने और उनके अनुभव को जानने के लिए बड़ी संख्या में लोग और खिलाड़ी मौजूद थे। खासकर के बच्चों और युवा खिलाड़ियों को लक्ष्य का बेसब्री से इंतजार था और लक्ष्य से मिलने के लिए बच्चों में खासी उत्सुकता देखी गई। आपको बता दें कि भारत थॉमस कप के फाइनल में ऐसी टीम को हराकर ये जीत हासिल की जो 14 बार इस टूर्नामेंट की विजेता रह चुकी है। भारत ने इंडोनेशिया की टीम को 3-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। भारत पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था, जिसमें 5 मैचों में से भारत ने 2 सिंगल और 1 डबल मैच जीता और इस टीम की जीत में लक्ष्य सेन ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन की इस उपलब्धि ने पूरे देश और दुनिया में हमारे प्रदेश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया था। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक लक्ष्य सेन को फोन पर बधाई देकर अल्मोड़ा की बाल मिठाई खिलाने की बात कही थी। तो आज इस मौके पर हमारी JJN की टीम भी लक्ष्य के सम्मान कार्यक्रम में पहुंची और लक्ष्य से बातचीत की। देखिए JJN की खास रिपोर्ट। तो इस वक्त हमारे साथ अभी मौजूद हैं अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन, जिन्होंने पहली बार ऐसे जाबाज बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने पूरे देश और हमारे पूरे प्रदेश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। 73 साल बाद पहली बार बैडमिंटन टूर्नामेंट में थॉमस कप हमारे देश में आया है और वो भी लक्ष्य सेन की बदौलत। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये इंडिया के लिए जो थॉमस कप हम लोग ने जीता है, ये आई थिंक पूरे जो हमारे 10 मेंबर्स थे टीम के, आई थिंक सबको क्रेडिट जाता है। एंड जो एक टीम एफर्ट था वहाँ पे बैंकॉक के अंदर जो हमारे मैचेस हम लोग ने खेले, आई थिंक ऐसा कभी किसी ने भी ड्रीम में नहीं सोचा था कि हम लोग एक दिन जाके थॉमस कप जीतेंगे। बट या डेफिनेटली जब हमारा टीम अनाउंस होता तो हमें लगा था कि हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है एंड हम किसी भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। बट या थिंक ऑल द प्लेयर्स कमिंग टुगेदर एंड विनिंग द थॉमस कप फॉर द कंट्री, मतलब काफ़ी स्पेशल फीलिंग है। तो आपने 14 बार की विनर रही, इंडोनेशिया की टीम को हराकर ये थॉमस कप हासिल किया है, तो उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? कंपटीशन काफ़ी तगड़ा रहा होगा। जी, जैसे कि वो फाइनल मैच था और उससे पहले भी हमारे काफ़ी टफ मैचेस हुए थे, बट फाइनल का प्रेशर और फाइनल का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी डिफरेंट था बाकी मैचेस से। तो थिंक और हम लोग अंडरडॉग्स थे वो टाइम पे और इंडोनेशिया पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर था। जब हम लोग फर्स्ट सिंगल्स जीते या सेकंड सिंगल्स जीते तो वो काफ़ी प्रेशर में थे वो टीम, क्योंकि वो 14 बार की चैम्पियन टीम है। बट यार, जैसे पूरे टीम ने खेला और जो हमारा ऑन कोर्ट एटीट्यूड था और ऑफ कोर्ट जो हमारा एक टीम बॉन्डिंग था, वो आई थिंक काफ़ी स्पेशल था पूरे टूर्नामेंट में। एंड आई थिंक उसकी वजह से ही हम लोग वो फाइनल मैच जीत पाए। अच्छा, तो हमने ये भी सुना है कि इस मैच से पहले, फाइनल मैच से पहले आपको फूड पॉइजनिंग भी हुई थी, तो जब आपको ऐसे फूड पॉइजनिंग हुई तो आपको क्या लगा कि अब फाइनल के मैच में इसमें कोई असर पड़ सकता है? जी, फाइनल के मैच के पहले नहीं, वो टूर्नामेंट के पहले मेरे को हुआ था, जिस दिन मैं 2 दिन बिल्कुल भी खेल नहीं पाया था और मैं रेस्ट पे था 2 दिन। एंड देन जब हमारे ग्रुप स्टेज मैचेस स्टार्ट हुए तो उसके पहले मैं थोड़ा ठीक लगने लगा, तब मैं ग्रुप स्टेज के मैचेस में भी 1-2 मैचेस में रेस्ट किया और फिर एक मैच खेला। बट जब से क्वार्टर फाइनल्स का स्टेज आया तब से मुझे पता था कि हर एक मैच इंपॉर्टेंट है। एंड बट फिर भी जो फर्स्ट के 2 मैचेस थे, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, मेरा कंडीशन उतना 100% नहीं था खेलने के लिए। बट यस, जब फाइनल में 1 दिन ब्रेक मिला तो मैंने वो टाइम लिया कि मैं अपने आप को पूरा रिकवर करूं और जो एनर्जी लेवल्स है उनको मैं अच्छा रखूं कोर्ट पे, क्योंकि काफ़ी लंबा मैच हुआ था फाइनल्स में भी। और मैं आई एम हैप्पी कि मैं वो फर्स्ट मैच जीत के इंडिया को 1-0 लीड दी। और आपने थॉमस कप जीतने के बाद ये भी बोला था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो इस जो ये मैसेज आपने एक दिया है, तो इसके ज़रिए आजकल के जो युवा हैं और आजकल के जो युवा खिलाड़ी हैं जो अपना अभी करियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनको क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे? जी, कि जो ड्रीम्स आप देखते हैं वो डेफिनेटली सच होते हैं अगर आप
उनके तरफ काम करें और उनको दिमाग में रख के काम करें। तो आई थिंक जैसा मैंने तब भी कहा और मैं अभी भी कहूँगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर आपने सोचा। तो अभी हमारे साथ मौजूद है थॉमस कप के विजेता लक्ष्य सेन के फादर एंड मदर। तो सर एंड मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो आप दोनों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि भारत 73 इयर्स के बाद थॉमस कप में पहली बार विजेता बना है और उसने 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को बहुत अच्छे मार्जिन से 3-0 से उन्होंने हराया है। क्योंकि मैं वहाँ पे भी एज ए कोच, मतलब लक्ष्य के साथ वहाँ पे मौजूद था। तो और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी टीम, इंडियन टीम थी, वो काफ़ी बहुत ही बॉन्डेड थी और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। हमारे प्लेयर्स, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, जूनियर प्लेयर्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे और हमारे जो कोचेस थे, हमारा कोचिंग स्टाफ था, हम सब लोग एकजुट होके और पहली बार इतनी यूनिटी मतलब हमें देखने को मिली और बहुत अच्छा लगा। और ये जिस तरह से इंडिया ने ये मेडल जीता है थॉमस कप में गोल्ड, तो ये भारत के लिए एक माइलस्टोन होगा और आने वाले जो खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एज ए मदर अपना बच्चा कुछ भी करता है तो खुशी होती है, बट आज बच्चे ने देश के लिए कुछ किया है और इतने सालों के बाद 73 इयर्स के ड्राइनेस को उसने बिल्कुल वेट में बदला है। सब लोग कितना खुश हैं अपने उत्तराखंड में आकर के, लोगों को देख करके, और मतलब ज़्यादा खुशी हो रही है कि लग रहा है हाँ बहुत कुछ बड़ा किया है इसने। जो लोग हमारे वहाँ के लोगों को खुशी दी है, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी हो सकती है कि हमारे प्रदेश के लोग हमारे देश के लोग खुश हैं, उस पर गर्व कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि लक्ष्य जब जेजेएन न्यूज़ के स्टूडियो में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि आने वाले थॉमस कप में वो भारत को जीत दिलाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे और लक्ष्य ने वादा पूरा करा। तो हम फिर से लक्ष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में लक्ष्य इसी तरह से नए नए कीर्तिमान हासिल करें और देश के लिए और भी इसी तरह के कप जीत कर लाएं। तो इस खास खबर में, इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।